देश दुनिया के इतिहास में 12 सितंबर का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन संगीतकार जयकिशन के निधन समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। 1217 में आज ही के दिन फ्रांस के राजकुमार लुई और इंग्लैंड के राजा हेनरी तृतीय ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन 1398 में घोड़ों की 92 टुकड़ियों के साथ तैमूर सिंधु नदी के किनारे पहुंचा और अटक में नदी को पार कर दिया था। 1635 में आज ही के दिन स्वीडन और पोलैंड ने संघर्ष विराम संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के सदस्य फिरोज गांधी का जन्म आज ही के दिन 1912 में हुआ था। आज ही के दिन 1948 में पाकिस्तान के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के निधन के एक दिन बाद भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। 1953 में आज ही के दिन अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने जैकलीन के साथ विवाह किया था। आज ही के दिन 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ का रॉकेट लूना 2 चांद पर पहुंचा था। 1966 में आज ही के दिन भारतीय तैराक मिहिर सेन ने डार्डानेल्स जलडमरू मध्य को तैरकर पार किया था। आज ही के दिन 1968 में अल्बानिया ने खुद को वारसा संधि से अलग करने की घोषणा की थी। भारतीय हिंदी फिल्मों के जाने माने संगीतकार जयकिशन का निधन आज ही के दिन 1971 में हुआ था। भारतीय अभिनेता गायक पत्रकार तथा लेखक रंजन का निधन आज ही के दिन 1983 में हुआ था। आज ही के दिन 1990 में पूर्व और पश्चिम जर्मनी को एकीकृत करने के लिए अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस सोवियत संघ पूर्व और पश्चिम जर्मनी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता तथा गुजरात के तीसरे मुख्यमंत्री हितेंद्र देसाई का निधन आज ही के दिन 1993 में हुआ था। 1997 में आज ही के दिन 43.5 करोड़ मील लंबी यात्रा के बाद मार्स ग्लोबल सर्वेयर यान मंगल की कक्षा में पहुंचा था। आज ही के दिन 1998 में कुआलालंपुर में 16वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग शुभारंभ हुआ था। वर्ष 2000 में आज ही के दिन भारत ईरान और रूस के बीच उत्तर पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। आज ही के दिन 2006 में पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान सौदे में रियायत देने की संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की थी। 2007 में आज ही के दिन रूस ने नॉन न्यूक्लियर वैक्यूम बम का परीक्षण किया था। आज ही के दिन 2008 में सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ने अपना नॉन बैंकिंग वित्तीय कारोबार बंद किया था। 2009 में आज ही के दिन विश्व शतरंज चैंपियनशिप के आखिरी दौर में भारतीय महिला टीम ने अमेरिका को 3-1 से हराकर 7वां स्थान प्राप्त किया था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।